हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए नंदिनी हैंडीक्राफ्ट्स में पेपर चैम लेकर आई हूँ। और इसको बनाने के लिए हमें कुछ कार्डबोर्ड्स की या शादी के कार्ड की या चार्ट पेपर जो थोड़े मोटे वाले आते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और उसका साइज़ एक का साइज़ A1, एक पीस का साइज़ 5x5 होगा। एकदम स्क्वायर पीस में हमें चाहिए। और थ्रेड चाहिए, जिस कलर का आपका पेपर है थ्रेड ले लें, या कोई भी कलर का आपका पेपर हो तो थ्रेड वाइट ही लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इस तरह से एक घुंघरू वाला कोई सामान ले लें नीचे, थोड़ा वेट के लिए। आप मोती वगैरह भी ले सकती हैं, बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे बड़े पीस में आते हैं ये। और स्केल, पेंसिल और ग्लू और सीज़र की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इस पेपर चैम को बनाने के लिए हमें ये जो हमारा कार्डबोर्ड है, घर में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको हमें मान लीजिए 3 पीस में बनाना है, 1, 2, 3 करके। तो इसका जस्ट डबल हमें सामान लगेगा, 1+1+1+1, यानी कि हमें इसके 6 पीस चाहिए होंगे। तो मैं 2 पीस का बना के आपको बताती हूँ। और इसको बनाने के लिए, इसको कट करने के लिए हम इस ये जो हमने रेक्टेंगुलर ये जो पीस लिया है इसको ऐसे ट्रायंगुलर में मोड़ देंगे, जस्ट एकदम हाफ करके बराबर से इस तरह से मोड़ देंगे। और फिर इसमें यहाँ ये जो साइड है किनारे की, इधर की साइड में 1 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से इधर इधर और इधर। बस 2 साइड में हमें जो खुली हुई साइड है उधर हमें निशान लगाना है। और ये लाइन खींचनी है, एक लाइन ही हो गई। और यहाँ से ही ये जो निशान हमने लगाया है 1 इंच का, यहाँ पर फिर 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमारा 2 इंच का निशान है, इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से भी हम पूरा 2 इंच ले लेंगे इधर ऐसे। ये हमारा 2x2 का एक निशान लग गया है। अब इसको हमें कट करना है। तो इसको कट करने के लिए ये जो हमने पहली लाइन खींची थी इसको पूरा हम कट कर देंगे इस तरह से। ये हमने कट कर दिया, ये बीच का हमारा हिस्सा निकल आया है। और अब ये जो 2x2 का हमने निशान लगाया था तो इधर तो हमारा कट गया, अब एक साइड हमें ये और काटना है। जो हमने लाइन खींची थी ये हमने कट कर दिया, तो हमको एक पीस ये मिल गया और एक पीस ये मिल गया। ये देखिए, ये हमारे पास 2 पीस हो गए हैं। और इसको हमने इतने पीस, ये हमने 4 पीस हमारे तैयार हो गए। अब इसको चैन बनाने के लिए हमें सबसे पहले, ये देखिए ये सारे 4 पीस इकट्ठे हो गए हैं। और अब हम धागा लेंगे और ये मोती लेंगे। सबसे पहले धागा में डालेंगे और इसको डबल कर लेंगे इस तरह से, काफ़ी लंबा इसको बना लेंगे। जितना लंबा आपको उसमें चैन बनाना है आप उतना बड़ा धागा ले लें। यहाँ पर ये मोती फंसा है, ये निकलेगा नहीं। और अब हमें इस तरह से, ये हमारा मोती है। और एक पीस हम ले लेंगे जहाँ से फोल्ड किया था, ये जो हमने जहाँ से फोल्ड किया है तो यहाँ पे ये निशान बच चुका है। इसके ऊपर ऐसे थ्रेड रखेंगे, मोती बहुत नीचे ज़्यादा नहीं लटकाएंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच करीब धागा बाहर कर देंगे। और इसको बीच में रखते हुए अब इसमें हम ग्लू लगाएंगे।
पहले ग्लू लगा लेते हैं, चारों तरफ हमें ग्लू लगाना है। खूब अच्छे से ग्लू लगा दें। और अब ये जो धागा और मोती था हमारा, इसको यहाँ बीच में रखें इस तरह से, और जो इसका दूसरा पीस है जो हमने इस तरह के और काटा है, इसको जस्ट इसी के जो ये मोड़ा है वो ही हिस्सा ही ऊपर रखेंगे, और इसको बराबर से इसके ऊपर इस तरह से चिपका देंगे सफाई के साथ। इस तरह से हमें इसको, अब एक ये हो गया, इसी तरह से हम दूसरा पीस भी लगाएंगे। अगर आप किसी कार्ड में बना रहे हैं जो ज़्यादा बस जाते हैं बांटने के लिए, या घर में शादी के कार्ड इकट्ठे हो जाते हैं कलरफुल प्रिंटेड, उनका भी बन सकता है। तो जो आपको जो हिस्सा ऊपर रखना है उसको नीचे रखें, बाकी अंदर जहाँ छुपाना है उसको ग्लू से अंदर छुपा दें। इसको यहाँ पर ये जो सेंटर है इसका यहाँ पर हम रख देंगे इस तरह से रख देंगे, और फिर दूसरा पीस भी इस पे ये हम चिपका देंगे इस तरह से। अब ये हमारा इस तरह से कुछ ये देखिए हिल रहा है, तो जब हवा लगेगी तो ये ऐसे नाचेगा। और अब हमारे पास ये जो बीच की कटिंग हमने निकाली थी इस तरह से, ये अब इसमें भी हम ग्लू लगाएंगे, खासतौर पे बीच में अच्छे से लगाएंगे। इस तरह से ये पूरे में हमने ग्लू लगा दिया है, और इसको यहाँ बीच में रखेंगे इस तरह से। और इस पर दूसरा पीस चिपका देंगे, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, ये हमने चिपका दिया इस तरह से। इसी तरह दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। बीच में जहाँ थ्रेड रहेगा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ग्लू लगेगा। ये थ्रेड भी उठाएंगे, इसको इस तरह से बीच में रख देंगे, और इसके ऊपर इसको चिपका देंगे। ये हमारा बुनचा तैयार हो चुका है। इसको रात भर सूखने के लिए रख दें, और दूसरे दिन इस पे आप स्टोन वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये जो इसका सिरा है इसको यहाँ पर डबल नॉट दे दें, और ये हमारा बुनचैन इस तरह से तैयार हो गया है। और जैसे जैसे हवा चलेगी वैसे वैसे ये हिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। जब हवा चलेगी तो ये पूरा हिलेगा इस तरह से, और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये अलग हिलेगा, ये अलग हिलेगा। तो ये था हमारा आज का क्राफ्ट विंड चाइम। कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी अगले एपिसोड में फिर कुछ लेकर आएगी। नमस्कार।